सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है इंट्रोडक्शन क्या होता है सेल का और सेल की डिस्कवरीज़ क्या होती हैं और लास्ट में हम लोग वीडियो के देखेंगे बोनस क्वेश्चन सो हेलो एवरीवन दिस इज़ आमना एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड basically this is your lecture uh, first and uh, previous lectures also uh, include in this lecture but uh, from here we will start in series so सबसे पहला क्वेश्चन ye है कि आपका कि सेल uh, जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है यहाँ पे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जो एक बेसिक इकाई कड़ जो होता है लाइफ का वो सेल है लेकिन सेल है क्या है ना इंट्रोडक्शन की जब बात की जाती है कि आखिर ये सेल है क्या कि जिससे पूरी बॉडी बनी हुई है जिसको हम कह रहे हैं कि अगर ये ना हो तो बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा फंडामेंटल मतलब बेसिक कड़ है जैसे कि आपका घर है तो आपके घर में जो है अगर ये ईट्स हम ना लगाएं ये ब्रिक यहाँ पे इस तरीके से ब्रिक लगा लगा करके अगर आपकी हम दीवार ना बनाएं तो ये घर नहीं बन पाएगा ये जो घर आपका बना हुआ है इस तरीके का घर जो हम लोग ड्राइंग में बनाते थे ये जो घर बना हुआ है ये बना किस चीज़ से था बेसिकली ये जो है वो ईंट से बना हुआ है तो अगर ईंटें हम हटा दें ये ईंटें हम हटा दें तो ये घर बनना मुश्किल हो जाएगा इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो हमारी बॉडी है ये जो आपकी बॉडी है ये बेसिकली किस चीज़ से मिल कर के बनी हुई है ये एक इस इस तरह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो गोल सपोज दैट गोल है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट है जो इस बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इसीलिए कहा गया है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं यानी कि जो लोग क्या कर सकते हैं जो हर वो चीज़ जो क्या कर सकती है जो मूव कर सकती है ठीक है हर वो चीज़ जो क्या कर सकती है जो स्टूमिलस का रिस्पांस कर सकती है हर वो चीज़ जो क्या कर सकती है री प्रोड्यूस कर सकती है ठीक है अब जो जो भी चीज जो लोग भी ये तीनों चीज़ें करते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स उन्हीं को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है ये ऑर्गेनिज़म दो तरीके से हो सकते हैं एक तो हो गया आपका माइक्रो छोटे और एक हो गया आपका मैक्रो छोटे में आ जाते हैं बैक्टीरिया जी और और एक सेल से जो मने होते हैं और माइक्रो में आ जाते हैं हम लोग तो हम लोग ये तीनों काम करते हैं इस वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो जब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये जो सेल है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कि जैसे हमारी बॉडी जब हम बेबी जब जो ये जो बेबी है जब ये ज़ीरो ईयर का होता है तो इस तरीके से ये ऐसे है ठीक है लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये फाइव इयर्स का हो गया तो ये खेलने कूदने लगा और सबको तबाह करके रखा हुआ इसने ठीक है जब ये टेन ईयर का हो गया तो ये स्कूलिंग करने लगा अपने से खाना खाने लगा अपने फ्रेंड्स से बातें करने लगा तो यानी कि ये जो बॉडी बनी हुई थी पहले पहले ये स्ट्रक्चर बना स्ट्रक्चर से ये बॉडी बाहर आई फिर ये फंक्शन करने लगा और ये अब दुनिया में टहल रहा है घूम रहा है तो यानी कि ये जो सेल थी ये स्ट्रक्चरल होने के साथ साथ ये फंक्शनल यूनिट भी है यानी कि स्ट्रक्चर तो बना भी रही है और फंक्शन भी करा रही है तो हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है अच्छा अब क्या हुआ कि ये जो सेल है पूरी बॉडी बना रही है और पूरी दुनिया में हम इधर उधर घूम रहे हैं ठीक है तो ये जो बॉडी एग्जिस्टेंस में आई आखिर किन लोगों के आ, आ, डिवोशन की वजह से किन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया लाइफ का तब जा कर के ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई तो डिस्कवरीज़ के बारे, बारे में जानना किसने डिस्कवर किया किसने बताया कि भाई ये सेल है और इस तरीके से बॉडी बनी होती है इसको जानना बड़ा ज़रूरी होता है ठीक है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिस्कवरीज और डिस्कवरीज़ ऑफ सेल में सबसे पहले आप ये देखें कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक बहुत मज़ेदार साइंटिस्ट हैं ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक ठीक है 1665 में इन्होंने माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप इनके पास बहुत अच्छा वाला माइक्रोस्कोप नहीं था ठीक है तो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से जो भी चीज़ें देखी उसके अंदर इन्हें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दिए इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दिया तो उन्होंने कहा ये सेल है और ये जो है इसी से बॉडी बनी होती है इन्होंने कहा कि सेल की डिस्कवरी इन्होंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखे थे अपने माइक्रोस्कोप और इन्होंने उसको डिस्कवर किया था बताया था कि ये सेल है लेकिन ये डेड सेल थी तो इनकी डिस्कवरी जो है वो बहुत ज़्यादा इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनवन लिवन ठीक है एंटोनवॉन लिवन उस ज़माने में जब ये डिस्कवरीज़ हुई थी 1674 में 1665 में उस ज़माने के सबसे अच्छे और सबसे अच्छा साइंटिस्ट ये थे क्योंकि इनके पास सबसे अच्छा वाला माइक्रोस्कोप था इसी वजह से इनकी डिस्कवरीज़ बहुत सारी हैं जिसके पास माइक्रोस्कोप अच्छा रहेगा उसकी डिस्कवरी ज़्यादा होंगी क्यों भाई माइक्रोस्कोप क्यों क्योंकि सेल का जो है माइक्रोमीटर में हम मेज़र करते हैं ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स मीटर तो इसमें तो इतना स्मॉल यूनिट है ये कि माइक्रोस्कोप के बिना इसको देखा ही नहीं जा सकता तो जिसके पास सबसे अच्छा यूनिट में माइक्रोस्कोप था वो ए वी एलिवेन हॉक था थे. तो लिव हॉक ने क्या किया बहुत आ, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी ठीक है बारिश हो रही थी ये अपने लैब में बैठे हुए थे ठीक है ये अपने लैब में ऐसे बैठे हुए थे और केमिस्ट की शॉप थी इनकी बाहर जो है वो बारिश हो रही थी बारिश पानी जो गिर रहा था वहाँ नीचे जो पानी गिरा था वहाँ से उठा करके इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तब उन्होंने डिस्कवरी की थी आ, लिविंग सेल की ठीक तो और भी हम लोग डिस्कवरीज़ के बारे में देखेंगे लेकिन बेसिकली यहाँ पे दो लोगों का नाम बड़ा ज़रूरी था एक तो हो गया आपका रॉबर्ट होक इन्होंने डिस्कवरी सबसे पहले की थी लेकिन वो डेड सेल थी एक जो एक जो साइंटिस्ट थे वो ए वी लेवन हॉक थे इन्होंने भी डिस्कवरी की लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी पॉन्ड वाटर में ठीक है पानी जो नीचे गिरा था आसमान से ना बारिश हो रही थी तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था अब ये जो सेल है इस सेल के अंदर भी ब्रेन तो सेल को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है तो उसकी भी डिस्कवरीज़ हुई थी इसके अंदर एक लिक्विड होता है उसकी भी डिस्कवरी के लिए दूसरे साइंटिस्ट थे तो अभी याद करने के लिए आज इंट्रोडक्ट्री लेक्चर है तो दो साइंटिस्ट को आप लोग याद रखें ठीक है अच्छा तो देखिए हमारा सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लियर हो गया अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया कि इंट्रोडक्शन में क्या करना है डिस्कवरी ऑफ सेल क्लियर हो गई अब आते हैं यहाँ पे बोनस क्वेश्चन के बारे में बोनस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जब हम चैप्टर या जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में जब हम पढ़ लेते हैं तो उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है तो देखिए कितने क्वेश्चन हैं आपके आज आपका पहला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलोलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो यूनिसोलर से अलग करती है ठीक है अब देखें यूनिसर का मतलब क्या हो गया कि ये एक है एक बॉडी से बना हुआ है मल्टी सेलर का मतलब क्या हो गया कि सेल्स जो थीं उन्होंने एक तरीके का सेल को इकट्ठा किया और ग्रुप बनाया ग्रुप से ऑर्गन बनाया और ऑर्गन और से जो है वो बॉडी बन गई अब आप देखें ये एक सेल अलग है ये मल्टी सोलर ऑर्गेनिज्म अलग है तो जब एक सेल की बात जहाँ पे होती है वहाँ पे एक ही सेल सारा काम करती है लेकिन जब मल्टी सोलर की बात होती है तो वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है लेकिन ये काम को बांट दिया जाता है अलग अलग तरह के फंक्शन को अलग अलग ऑर्गन्स करते हैं तो यानी कि यूनीसोलर मल्टीसोलर में डिफरेंस यही है डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से डिवीज़न ऑफ लेबर की जो प्रॉपर्टी है काम को बांटने वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से मल्टी सेलर जो होते हैं वो यूनिसेलर से डिफरेंट होते हैं क्योंकि यूनिसेलर में सारा काम बॉडी का जो है वो एक ही सेल करेगी डाइजेशन से ले करके ये जो डाइजेशन है उससे ले करके ये जो रिस्पायरेशन है वो और एक्सक्रीशन और स्टोम मतलब जितने भी काम है वो सारे के सारे काम जो है वो एक ही बॉडी सेल करती है लेकिन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम में आप इन्हीं को देख लें यहाँ पे जो ये बने हुए हैं इनकी बॉडी में डाइजेशन का काम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा खाने को पचाने का काम जो है वो कौन करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम कौन करेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा ठीक है एक्सक्रेशन का काम कौन कर रहा है एक्सक्रेटरी सिस्टम कर रहा है और ये जो इससे देख रहे हैं इसको देखने का काम जो है वो दूसरा करेगा नर्वस सिस्टम करेगा मस्कुलर सिस्टम करेगा तो बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं ताकि हमारी बॉडी का काम इजी वे में हो सके तो कहने का मतलब ये होगा कि मल्टीसोलर और यूनिसोल में डिफरेंस जो है वो डिवीज़न और लेवर के बेसिस पे होता है ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं देखिए यहाँ हो रही डिस्कवर हो गया है यहाँ पर डिस्कवर कर लीजिएगा ये गलत हो गया है होगा यहाँ पे वो डिस्कवर्ड सेल और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है वो कह रहा है वाई इज सेल वाई सेल इज़ कॉल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है तो हु डिस्कवर्ड सेल में आप लिख सकते हैं सबसे पहला कि रॉबर्ट हुक जो मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल बट इट वाज डेड सेल एंड लिवन हॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल ये आप कह सकते हैं रॉबर्ट हुक का कर दीजिएगा 1665 और 1674 कर दीजिएगा आप लिवन हॉक का अच्छा दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वाई इज द सेल कॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है क्यों क्योंकि सेल जो है इसी से पूरी बॉडी बनी हुई है सेल जो है आप आंसर लिख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अप ऑफ वन एंड मोर सेल ठीक है और इसी वजह से सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है क्योंकि सेल बॉडी के सारे काम को करती है सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी एंड आल्सो एबल टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी तो आप ये आंसर इसका लिख सकते हैं कि लाइक नर्व सेल ट्रांसफर मैसेजेस और मसल मस्कुलर सेल हेल्प टू परफॉर्म मूवमेंट तो इसका आंसर आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं मैंने आपको समझा दिया अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा इन मैं क्लियर कर दूँगी तो ये आपका आ, कायदे से लेक्चर वन था अभी तक जो लेक्चर सेंड हो रहे थे वो भी उसी टॉपिक के ही थे लेकिन वो समझने के लिए थे आज से यहाँ से आपको लिखना भी है तो ये सारे जो है वो कॉपी में आप अपने नोट डाउन कर लीजिएगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ऐसे कर देंगे आप लोग कहने की ज़रूरत नहीं है लाइक like, शेयर और कॉमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बाकी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा ठीक है चलें गुड बाय टेक कर हैवे हेल्दी डे एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे टू